गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज की इस कक्षा में हम पिछली कुछ कक्षाओं से हम भू संतुलन के सिद्धांत को पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इस भू संतुलन के सिद्धांत को यहीं पर विराम देंगे इस संकल्पना के साथ। यह आखिरी संकल्पना है और इम्पोर्टेंट संकल्पना है, ठीक है। अब तक की जितनी भी संकल्पनाएँ थी उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है एरी और प्राट के बाद, ठीक है। एरी और प्राट का मत सर्वप्रमुख है, यानी कि सबसे पहले जब भी भू संतुलन की बात आएगी तो एरी महोदय का, प्राट महोदय का नाम आएगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई नाम आएगा तो सबसे सटीक और सबसे सही तरीके से जो बताने की कोशिश किए वो बताने की कोशिश किए हमारे आर्थर होम्स ने, ठीक है। तो आज हम आर्थर होम्स के अनुसार पढ़ने की कोशिश करेंगे आर्थर होम्स का भू संतुलन सिद्धांत, ठीक है। आर्थर होम्स के अनुसार भू संतुलन की स्थिति, आर्थर होम्स के अनुसार भू संतुलन, इसमें लिखने की चीज कम समझने की चीज ज्यादा है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी विद्वानों ने अपनी संकल्पना का प्रतिपादन कर दिया। बाद में 1910 में लगभग ये आए आर्थर होम्स और इन्होंने अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया। और इन्होंने क्या कहा कि जो भूभाग जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है वो अधे स्तर बोले तो सीमा परत में उतनी ही गहराई तक डूबे हुए हैं, जो पिछले कुछ विद्वानों ने भी कहा था। इन्होंने क्या कहा कि जो पर्वत होते हैं पर्वतों की ऊंचाई अधिक पाई जाती है, घनत्व कम पाया जाता है। तो कम घनत्व बोले तो उनकी मोटाई 30 से 40 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। पर्वतों का जो सियाल परत है, पर्वतों में सियाल परत की मोटाई 30 से 40 किलोमीटर पाई जाती है, पठारों में कम पाई जाती है, तटवर्ती मैदानों में 10 से 12 किलोमीटर पाई जाती है। और जो तटवर्ती तली क्षेत्र है, सागर की तली है, वहाँ यह बहुत पतली हो जाती है सियाल परत, लगभग वहाँ कहीं कहीं सियाल परत पाई भी नहीं जाती है। समुद्र की तली के बाद डायरेक्ट सीमा परत शुरू हो जाती है। तो इन्होंने सियाल परत का घनत्व 2.7 माना, फिर सीमा परत का घनत्व 3 माना, और क्या माना, फिर सीमा परत के नीचे वाली परत का घनत्व इन्होंने 3.4 माना, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने घनत्व माना और बताया कि जो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भागों में सियाल ज़्यादा पाया जाता है, सियाल परत, इस वजह से उसमें क्या होता है उसकी जो मोटाई वो ज़्यादा होती है। और आगे क्या कहा इन्होंने कि इसके विपरीत जो समुद्र की तली है उसकी गहराई बहुत कम होती है, यानी कहीं कहीं भी नहीं होती, सियाल परत होती ही नहीं समुद्र तली के नीचे, डायरेक्ट कौन सी सीमा परत वहाँ पर शुरू हो जाती है। इस तरीके से इन्होंने कहने की कोशिश की और अपने डायग्राम के माध्यम से इन्होंने समझाया, जो काफ़ी सटीक बैठता है वर्तमान के संदर्भ में। और इन्होंने आगे क्या कहा अपनी संकल्पना के आखिर में, क्या कहा कि पृथ्वी पर पूर्ण रूपेण तरीके से संतुलन की अवस्था कहीं नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी संतुलन की अवस्था दृष्टिगोचर जरूर होती है। इस तरीके से इन्होंने अपनी संकल्पना को कहा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक दो बातें लिख लीजिए आप। आर्थर होम्स के अनुसार भू संतुलन, इन्होंने 1910 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इन्होंने कहा था कि अधे स्तर में विभिन्न घनत्व वाली परतों की गहराई पर भू संतुलन निर्भर करता है। यानी कि जो भू संतुलन है वह अधे स्तर बोलते हैं सीमा परत को, अधे स्तर किसको बोलते हैं, सीमा परत को, सीमा परत में विभिन्न घनत्व वाली परतों की गहराई पर निर्भर करता है, ठीक है। इन्होंने फिर आगे क्या कहा उसको समझ लेते हैं कि पर्वतों पर, इसको इससे पहले एक बात और लिखेंगे हम
कि उच्चावच के अनुसार, उच्चावच के अनुसार सियाल परत की, सियाल परत की गहराई, ये कह सकते हैं मोटाई, अलग अलग पाई जाती है, भिन्न भिन्न, अलग अलग पाई जाती है, अर्थात ऊंचे पर्वतों पर, पर्वतों में सियाल परत की मोटाई, सियाल परत की मोटाई, सियाल परत तो आप समझ गए होंगे ना किसको बोलते हैं, सियाल परत की मोटाई 30 से 40 किलोमीटर, पठारों में 20 से 25 किलोमीटर, तटवर्ती मैदानों में, तटवर्ती मैदानों में 10 से 12 किलोमीटर एवं समुद्र तली में, समुद्र तली में बहुत पतली पाई जाती है, या कहीं कहीं नहीं भी पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? सियाल परत। क्या? सियाल परत। ठीक है, इतनी बात आप लिखिए, इस बात को फिर हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसने डायग्राम भी बताया है, उस डायग्राम के माध्यम से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अधः स्तर में विभिन्न घनत्व वाली परतों की गहराई भू संतुलन पर निर्भर करती है। ठीक है, करती है। उच्चावच के अनुसार सियाल परत की गहराई, उच्चावच के अनुसार ऊंचे के पर सियाल परत की गहराई या मोटाई कह सकते हैं, अलग अलग पाई जाती है। अर्थात ऊंचे पर्वत, जितने ज़्यादा ऊंचे पर्वत होंगे उनमें घनत्व तो कम होगा लेकिन उसकी जो मोटाई है वो सियाल परत की वो अधिक पाई जाएगी, और पठारों में यह मोटाई थोड़ी सी कम, और तटवर्ती मैदानों में और कम, और अंतिम बात क्या कह सकते हैं हम कि जो समुद्र की तली है, समुद्र की तली में सियाल परत की गहराई या तो नगण्य के बराबर होती है या बहुत कम होती है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कहने की बात, कहने की कोशिश की। अब इसके सिद्धांत को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। 1910 में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए, अब देखिए इनके सिद्धांत को डायग्रामेटिकली समझते हैं हम। इन्होंने ये पृथ्वी के अंदर की झलक प्रस्तुत की है, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर की झलक प्रस्तुत करने की कोशिश की है इन्होंने। ये मान लीजिए इस तरीके से इन्होंने बतलाया है कि ये, और समझना, एक मिनट समझने की कोशिश करना आप, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ इस तरीके से और यहाँ पर सीधी है। ठीक है,
इसको इन्होंने क्या कहा है भाई, ये जो दिखाई दे रही है आपको, पहले चित्र बना लीजिए आप, फिर समझेंगे इसको हम। चित्र बना लीजिए पहले, फिर समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। बात आपके कुछ समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, नहीं समझ में आ रही तो कोई टेंशन नहीं लेने का, अभी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बना लीजिए इस चित्र को। यहाँ से थोड़ा सा हमको सही करना पड़ेगा ऐसे। इस तरीके से बनाइए आप चित्र, फटाफट से बनाइए, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है ये। बनाइए इसको और नीचे लिखिए, होम्स के अनुसार भू संतुलन की स्थिति, होम्स के अनुसार भू संतुलन की स्थिति, लिखिए इसको फटाफट से, बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऐसे कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसने जो कहा है, अभी आपने लिखा भी था उसको, कि जो भाग जितना ऊंचा है यानी कि पर्वतीय भाग, उसकी मोटाई जो है 30 से 40 किलोमीटर, ये 30 से 40 पर्वतीय भाग है इसकी 30 से 40 किलोमीटर, और लिखा था पठारों की थोड़ी सी कम और मैदानों की उससे कम, और सबसे कम किसकी पाई जाती है, समुद्र तल की, समुद्र तल की या तो होती है या नगण्य के बराबर होती है। क्या, किसकी बात कर रहे हैं, सियाल परत की। आपने पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर इस तरीके की 3 परतें पाई जाती है, पढ़ा है ना भाई, एक तो ये सियाल है ऊपर ऊपर की, फिर सीमा है और फिर ये नीचे है। तो ये सियाल परत कितनी मोटी है, सीमा परत कितनी मोटी है, तो इसने क्या बताया, सियाल परत जो है, ये सियाल परत की मोटाई अलग अलग पाई जाती है घनत्व के अनुसार। जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा, सियाल परत की गहराई वहाँ पर कम होगी, जिसका घनत्व जितना कम होगा, सियाल परत की गहराई उतनी ही अधिक होगी। ये क्या है इसने,
तो क्या माना इसने, देखिए पर्वतों की ऊंचाई अधिक है, पर्वतों की मोटाई अधिक है और पर्वतों का क्या है, घनत्व कम है, यानी कि यहाँ पे सियाल पर्वत की मोटाई गहराई अधिक पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी, अपने लिखा है अभी 40 से 30 किलोमीटर। फिर इसने क्या कहा, पठार जो है, पठार में सीमा की सियाल पर्वत की गहराई कितनी पाई जाएगी, पठारों में सियाल पर्वत पाई जाएगी लगभग 20 से 25 किलोमीटर या 10 से 20 किलोमीटर, और मैदानों में तो और कम पाई जाएगी। सबसे कम कहाँ पाई जाएगी, समुद्र की तली में। समुद्र तल अलग होता है, हमने लिखा है समुद्र की तली, समुद्र तल इसको कहते हैं वाटर लेवल, जहाँ तक समुद्र का पानी भरा रहता है उसको, और समुद्र की तली उसको कहते हैं जहाँ तक आखिरी छोर समुद्र का जो होता है अंदर का, मेरियाना ट्रेंच गहराई जो होती है उस तरीके की, जो समुद्र की आखिरी छोर होता है जहाँ पर बहुत वनस्पतियां पाई जाती है, बहुत समुद्र की गहराई में, उसको पेंदे को जिसको बोलते हैं हम, उसको समुद्र तली बोलते हैं। तो समुद्र तली में सियाल परत या तो नहीं पाई जाती और पाई भी जाती है तो बहुत कम मात्रा में। तो हमने देखिए ये सियाल परत है, ये पूरी सियाल परत यहाँ सबसे ज़्यादा मोटी है पर्वतों पर, पठारों पर थोड़ी कम होगी, मैदानों में थोड़ी कम होगी, और समुद्र तली में देखिए यहाँ तक है और समुद्र तली में तो इसकी गहराई बिल्कुल ही नहीं, यानी कि समुद्र तली में सियाल परत नहीं पाई जाती। तो इसने क्या बोला है, जो भाग जितना ज़्यादा होता है वो सीमा परत में उतनी ही गहराई तक डूबा हुआ होता है। देखिए ये जितना ऊँचा है उतनी ही गहराई तक सीमा परत में डूबा हुआ है कि नहीं, ये सीमा परत है, सीमा परत में डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ। और इसने क्या बोला था, सीमा परत का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 3। इसके नीचे वाली एक परत है, सीमा परत के नीचे वाली परत इसने माना है, निफे नहीं माना इसने, सीमा के नीचे परत वाली, नीचे की परत का इसने घनत्व माना है 3.4। इस तरीके से बोलो ये समझ में आई कि नहीं आई, तो गुरु जी आ गई। कुछ बच्चों का कहना है कि भाई नहीं आई, ठीक है मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं आपकी फीलिंग्स को, दोबारा समझिए एक बार और से। देखिए आर्थर होम्स एक महान विद्वान हुए हैं भूगोल के क्षेत्र में, बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको हम बार बार में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। आर्थर होम्स 1910 में इन्होंने संकल्पना प्रतिपादित की थी और क्या कहा था कि विभिन्न घनत्व वाली परतें जो होती है वो गहराई में डूबी हुई होती है अलग अलग तरीके से, उसी के ऊपर भूसंतुलन का सिद्धांत जो है ये कार्य करता है। और इन्होंने क्या बोला कि पर्वतों की गहराई, जो पर्वतों में सियाल परत जो होती है उसकी गहराई 30 से 40 किलोमीटर, पठारों में उससे कम, मैदानों में सियाल परत की गहराई 10 से 12 किलोमीटर, और समुद्र तली में जो सियाल परत की गहराई बहुत पतली होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। और आगे इन्होंने बोला था कि जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना ही कम वहाँ पे सियाल परत पाई जाएगी, जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतनी ही कम वहाँ पे सियाल परत की संभावनाएँ मौजूद है। और क्या बोला इन्होंने, जो ऊंचा भाग है वो उतनी ही ज़्यादा तक सियाल परत में, सीमा परत में डूबा हुआ है। ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कहने का मतलब यही है कि जो ऊंचा भाग है जिसका घनत्व कम है वो उतनी ही गहराई तक डूबा हुआ है सीमा परत में, ठीक है। सियाल परत यह है पूरी, सियाल परत की मोटाई जो है यहाँ पर कम पाई जाती है, यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, और समुद्र तली में बिल्कुल नगण्य पाई जाती है, ठीक है। ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब इसके चित्र के बाद अब दो चार बातें और है, वो दो चार बातें और कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं इसको, चलिए। इसके बाद हम देखते हैं, इन्होंने जो ये सियाल परत की गहराई बताई वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर बताई, ठीक है। इन्होंने घनत्व का मापन भूकंपीय तरंगों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्षों के तहत किया, ठीक है। इन्होंने जो है सियाल परत का घनत्व, इन्होंने इस आगे लिखिए, इन्होंने सियाल
सियाल परत का घनत्व 2.7 और सीमा परत का घनत्व 3.0 एवं सीमा के निचली परत का घनत्व 3.4 माना है। कितना माना है? 3.4 माना है। और क्या बताया इसने कि पर्वतीय भाग, आगे पैरा चेंज करके लिखना है इस बात को, पर्वतीय भाग, पैरा चेंज बोले तो पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है ना, यहाँ से लिखना इसको, पर्वतीय भाग अधः स्तर बोले तो सीमा, अधः स्तर सीमा परत में अधिक गहराई तक डूबे हुए हैं, पठार कम गहराई तक, जबकि समुद्र तली के बाद से ही सीमा परत शुरू हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि पर्वतीय भाग और समुद्र तली की स्थिति जो है एक दूसरे के विपरीत है। पर्वतीय क्षेत्र और समुद्र तली की स्थिति जो है एक दूसरे के क्या है भाई, विपरीत है, ठीक है, कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद एक बात और लिखनी है हमको, ये सिद्धांत खत्म होने वाला है हमारा, एक बात और लिखनी है, इसको मिटा देता हूँ मैं, लिख लीजिए आप इसको, आखिरी बात जो है इसकी, इसने बोला है यद्यपि लिखे पृथ्वी पर संतुलन की दशा पूर्ण रूप से कहीं भी नहीं पाई जाती, कहीं भी नहीं पाई जाती है, परंतु संतुलन की दशा अवश्य दृष्टिगोचर होती है। दृष्टि को सही लिखिए आप, ये दृष्टि गोचर होती है। ये आर्थर होम्स ने अपने सिद्धांत में कहा है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, आज की जो भी आपकी पढ़ाई की है आपने वो समझ में आया होगा। मिलते हैं कल अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक इंतज़ार कीजिए आप, और ध्यान रखिए एक बात, इम्पोर्टेंट विशेष सूचना है आपके लिए। वो सूचना क्या है, पहले तो आप इसको समझ गए होंगे उम्मीद है मुझे, अगर नहीं समझे हैं अभी तक जितना भी पढ़ाया है आपको, उस पढ़े हुए में से जितना भी आपको पढ़ाया है उस पढ़े हुए में से अगर आपको कोई समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, आपकी लाइव क्लासें भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए।
ठीक है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, लाइव क्लास के लिए आपको करना यह है कि 8104152712 इस नंबर पे आपको एक व्हाट्सअप मैसेज करना होगा, और व्हाट्सअप मैसेज में आपको यह लिखना होगा कि सर मेरा नाम यह है, माय नेम यह है, ठीक है, क्लास मेरी यह है, ठीक है, नाम क्लास और फादर का नाम भी लिखना है आपको, वह आपको सेंड कर देना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस नंबर पे अपनी फीस की रसीद जो होती है उसको भी सेंड करना है, ठीक है। फीस की रसीद, अपने पिताजी का नाम, अपना नाम, ये सभी आपको इस नंबर पे सेंड करना है। और कब सेंड करना है ये भी देख लीजिए आप, जब भी आप सेंड करना चाहो तब भी आप इस पे सेंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहेगा नाम, पिताजी का नाम, आपके फीस की रसीद ये ज़रूर होनी चाहिए उसमें। और आप कौन सा प्रश्न सता रहा है, कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, उसके लिए आपको मैं टाइम बतला दूंगा कि इतने बजे आपकी लाइव क्लास होगी। आप जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे अब नए जो एडमिशन लिए हैं अब तक, वो सभी आप इस नंबर पर, जिस जिसके पास ये वीडियो पहुंच रही है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते, कॉल नहीं करेंगे, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपकी लाइव क्लास यूट्यूब के माध्यम से हम चला देंगे, और लाइव क्लास में हम आमने सामने होंगे, और आमने सामने होने के बाद आप अपने प्रश्न पुट अप कर सकते हैं, हम आपको आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, ठीक है। ये क्लास तो ऑनलाइन है, यानी कि आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाती है, वो क्लास आपकी लाइव होगी। लाइव का मतलब समझते हैं ना, मैं जिस टाइम पर बोलूँगा आप भी उसी टाइम पर प्रश्न कर सकते हैं मुझसे, और मैं उसी टाइम आपका जवाब दे दूँगा, ठीक है। उम्मीद है आप आज का ये चैप्टर जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और ये जो बात है ये उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इंतज़ार कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।